हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रंच कैफ़े। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी आलू प्याज की सब्ज़ी, जो कि खट्टी मीठी और चटपटी सी बनती है। इस मज़ेदार रेसिपी का आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी से बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आती है। तो मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें बिना देरी के अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने पोटैटो लिए हैं वो मैंने लिए हैं 500 ग्राम और उसको मैंने कट कर लिया है। जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज कट करते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे कट करना है। तो इसको मैंने कट कर लिया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अनियन ली है, अनियन मैंने ली है 500 ग्राम। जितने मैंने आलू लिए हैं उतनी ही मैंने प्याज ली है, तो इसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज ली है और क्यूमिन सीड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है 1 कप के बराबर और उसके अच्छे से गर्म करने के बाद जो हमने पोटैटो कट कर कर रखे थे उसको हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। हमें यहाँ पर पोटैटो को 50% तक कुक करना है और हल्का सा गोल्डन क्रस्ट आने तक हमें इसे यहाँ पर फ्राई करना है। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर इसको हल्का सा गोल्डन होने तक मैं फ्राई कर लूँगी और जब तक ये 50% कुक नहीं हो जाते यहाँ पर ये अपना जो वाटर है वो भी रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 मिनट में बिल्कुल बढ़िया से हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। ऑयल भी मैंने बाकी का निकाल लिया है, एक्स्ट्रा ऑयल, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है हींग 2 चुटकी और इसी के साथ मैंने क्यूमिन सीड ऐड करी है 1 टीस्पून और इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं गार्लिक चॉप की हुई, तो यहाँ पर मैंने गार्लिक भी ऐड कर दी है। इन सब को अच्छे से सौते कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम अनियन ऐड कर देंगे। अनियन यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, 500 ग्राम मैंने यहाँ पर अनियन ली है और इसको हम पकाएंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनियन हमारी जो है हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है कुटी हुई लाल मिर्ची 1/2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जो हमने पोटैटो फ्राई कर कर रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड कर दी है मैंने, 4 ग्रीन चिलीज है और उसको मैंने चॉप कर लिया था वो ऐड कर दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बढ़िया से एकदम मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर। इससे पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी थी, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है लगभग 1 टीस्पून के बराबर। ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज भी ऐड करी है और कुटी हुई लाल मिर्चें भी हमने इसके अंदर ऐड करी हैं, तो बस थोड़ी सी ही हम इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करी है और साथ ही 1 टेबल स्पून भरकर मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है, ड्राई मैंगो पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा सा जो है इसके अंदर फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने वो सब ऐड करके इसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाला है बस 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर और इसे कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पोटैटो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, हमारी सब्जी एकदम बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि पोटैटो जो है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। ये हमारी टेस्टी और मज़ेदार सी आलू प्याज की सब्जी जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी इसे हम सर्व करेंगे ऊपर से कोरिएंडर से, इसको गार्निश कर देंगे। तो ये देखा आपने कितने जल्दी से और कितने झटपट से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी हमारी आलू प्याज की सब्जी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इस मज़ेदार सी सब्जी को आप चपाती के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।